कैसा रहा टाइपिंग आपका? नमस्ते कैसा रहा टाइपिंग? कितने सर जी। टाइपिंग सर बहुत बढ़िया हुआ सर, की स्ट्रोक आए थे? टोटल 1755 हमारे हुए हैं सर, 8 मिनट 34 सेकंड में हो गए थे हमारे। यस 1755 ही थे? ओके सर, हमारे मतलब लास्ट में लिख के आया था 1755 के स्ट्रोक रन। ओके। अच्छा, तो कंटेंट कैसा था वहां पे? कंटेंट सर क्रिकेट बेस्ड था, वो क्रिकेट का हिस्ट्री पूरा दिया था, पूरा यही सब दिया था कि इंडिया में प्रॉपर है, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुआ, न्यूजीलैंड में खेला था, अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इसी के बारे में पूरा था सर बेस्ड। अच्छा ये बताइए, स्पेशल करेक्टर थे या नहीं थे? स्पेशल क्या सर, करेक्टर कितने स्पेशल करेक्टर सर न्यूमेरिक तक भी नहीं थे, एक थे? अच्छा एक भी नहीं था? भी नहीं था सर। जिसे अगर 1984 लिखा था कि पहला मैच जिसे खेला गया 19 कुछ सन दिया था, 19 कुछ सन दिया था, तो जी उसमें भी वो इंग्लिश में लिखा था कि 19 की स्पेलिंग लिखी, फिर ओके ओके। 18, वो मतलब कुछ भी न्यूमेरिक नहीं था, ना स्पेशल करेक्टर था, कुछ भी ऐसा नहीं था अच्छा ये बताइए, कितने बार कंटेंट को स्क्रॉल करना पड़ा? सर। 2 बार फुल स्क्रॉल करना पड़ा और तीसरे बार केवल 2 लाइन बस। अच्छा ये बताइए, जो कीबोर्ड था वहां पे वो जी कैसा सर, था? कीबोर्ड सर हमें जो मिला था वो थोड़ा मतलब उसमें वो नीचे स्टैंड होता, स्टैंड भी नहीं था, और जी थोड़ा मतलब वो हार्ड चल रहा था हमसे, तो अच्छा, हमने उसको चेंज करवा दिया था सर से। तो वो जो चल रहा था बढ़िया वाला, वो बहुत अच्छा चल रहा था, किस उससे कंपनी हमारी का था वो? वो एसर का था, हमारे सिस्टम में जितने भी थे सब एसर कंपनी के थे। एसर कंपनी के थे। यस आपकी स्पीड, अच्छा आप जब टाइपिंग मतलब देने गए उससे पहले आपकी स्पीड कितनी आ रही थी? 44 से 48 के बीच में थी, जब अगर कुछ अगर शुरुआत में इंक्रीज नहीं हो पाई, अगर या खराब लगा शुरुआत में, तो 44 आ जाती थी, वैसे 48 के अराउंड रहती थी। तो आपने 8 मिनट में कंटेंट पूरा टाइप कर लिया? यस सर, 8 मिनट 34 सेकंड में, मतलब वो स्क्रॉल करना पड़ा तो 34 सेकंड लग गए थे बाद में। हाँ चलिए, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद सर जी। डेफिनेटली टाइपिंग तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ सर, और उसमें एक मतलब हमने जब टाइप कर रहे थे तो हमें लगा कि फुल की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है, उसमें लिखा था मैनी पीपल एंजॉय विद फुल, सॉरी विद फुल एंजॉय, तो फुल की स्पेलिंग हमसे डबल एल नहीं दबा था, तो हमने उसको जान गए थे, लेकिन हमने बैक नहीं किया शुरुआत में, कोई हमने कहा दिक्कत बाद नहीं है, एक दो मिस्टेक अगर होती हैं तो कोई नहीं दिक्कत गलत नहीं। नहीं सर, बाद में उसको हमने बैक करके उसको संभाल लिया था, अच्छा मतलब जब पैसा पैसा जो हमारा पूरा हो गया 30 मिनट 4 मिनट में, जी तो जी इसको हमने स्कॉर करके ऊपर हम जान गए थे कि हमारा ही गलत लिखा फुल वाला, तो हम हाँ उसको ले जाके डबल एल दबा दिए थे उस पर। जी। अच्छा ये बताइए, जिनका 2021 में टाइपिंग होगा उन्हें क्या राय देना चाहेंगे आप? सर 2021 में अगर टाइपिंग लगा होना चाहिए तो अभी से स्टार्ट करते सीधे Tier 2, और साथ में ये हमारा 2019 वाला टाइपिंग फेल हुए थे, हम जी 1451 ही प्रेस हुए थे हमसे, तो जी हमने वो 2020 वाला दिया जिसे तुरंत ही हम मतलब Tier 2 की बाद में तैयारी किए थे, पहले टाइपिंग, क्योंकि हमें टाइपिंग ज्यादा मेन फोकस था, 3 4 डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड भी प्रैक्टिस किया, आपका भी कोर्स लिया था हमने, जी और आंसू निकल लेते हैं आज हमारे बहुत ज्यादा कीबोर्ड में, मतलब इतना बहुत ज्यादा रेडिएशन के चक्कर में आंख हमारी दर्द कर रही थी बहुत तेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन किस यस तरीके से सर, मैनेज किया? कितना ऑफलाइन ज्यादा किया टाइप या ऑनलाइन ज्यादा टाइप किया? ज्यादातर तो हमने सर ऑनलाइन ही किया है बस, बट अभी जो वो आया था वो नोटिस, तो हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफलाइन में भी हमें दिक्कत नहीं हो रही थी इतनी, हम जी ऑफलाइन भी किए हैं, और मतलब ऑनलाइन ज्यादा किए हैं इस बार, मतलब टोनी टाइपिंग ट्यूटर पे ऑनलाइन चलिए भी किए हैं और लाइव अटेम्प्ट भी किए हैं उसमें। धन्यवाद चलिए चलिए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। हेलो, किस हाँ सर बोल रहे हैं, कितने पॉइंट लाभ हुआ सर? कैटेगरी से हैं आप? OBC सर। आपको 10% मिलेगा छूट। तो कितने वोट माफ हो सकता है सर? वो अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। 10% आप 1750 का जो स्ट्रोक लोग, आपको 175 जो की स्ट्रोक है वो आपको माफ होंगे। क्या हुआ सर कि स्क्रॉलिंग सर मेरा लग रहा है लाइन छूट गया, तो लग रहा है 1600 मेरा 90 कितना आया सर, अच्छा बहुत प्रॉब्लम हो रहा ये बताइए, कंटेंट वहाँ पे कैसा था? है। कंटेंट तो लगभग इजी था सर, अच्छा मीडियम मॉडरेट लेवल था, स्पेशल करेक्टर वगैरह कितने थे? नहीं स्पेशल नहीं था उतना, एक भी नहीं था? और नहीं टैब यूज भी नहीं था सर, एक भी स्पेशल करेक्टर नहीं था? नहीं एक भी नहीं था, सिर्फ सिर्फ कैपिटल लेटर था थोड़ा, अच्छा, ये बताइए की स्ट्रोक कितने आए थे? की स्टॉक मेरा सर 1600 मेरा 90 आया सर, छूट गया लाइन मिस लग रहा, हमको लग रहा हो गया है। हाँ इतना तो कम नहीं आया होगा। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे जो कीबोर्ड आपको मिला वो कैसा था? कौन सा मतलब कीबोर्ड मिला आपको? एसर का था सर। ऐसे का था तो यस कीबोर्ड सर। ठीक ठाक था, कीबोर्ड क्या सर? अच्छा था? ठीक है, सॉफ्ट लेवल सॉफ्ट था सर। अच्छा, वहाँ पे टाइपिंग में कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, टाइपिंग सिर्फ हमको लग रहा है कि मेरा लाइन मिस हो गया, वही प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए आपसे पूछने के लिए फोन किए हैं सर कि कितने परसेंट। अगर आपका लाइन मिस हो गया तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंटेंट लाइन मिस होने के अलावा जो कंटेंट टाइप किया है सर वो अगर सही टाइप किया होगा यस सर। तो एक लाइन मिस होने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक।
मतलब 10% मिलेगा तो सर उसका तो मतलब होता है सर 175 होता है सर हाँ, 1 75 होता है उसमें, आपको 5 के हिसाब से भी अगर देखो तो 5 से अगर डिवाइड करो तब भी 20 से 25 वर्ड अगर आपके गलत है तब भी आपका हो जाएगा। हो जाएगा सर ना। हाँ, लेकिन ये शर्त है कि जो कंटेंट आपने टाइप किया है वो सही टाइप होना चाहिए, वो ठीक है। हाँ, स्क्रॉलिंग में शायद हमको लग रहा सर प्रॉब्लम हो गया मेरा, बहुत प्रेशर वहाँ पर था ना। ये तो होता ही है, मैंने पहले कहा था कि आप आराम से चीजें करिए और बहुत ध्यान से टाइप करिए। आराम मेरा वो सही मॉक सही गया सर, जी, लेकिन इसमें वो थोड़ा मॉक से मतलब नहीं है, मॉक पे इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मॉक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, देखिए सर क्या होता है। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके। हो जाएगा सर। और होना चाहिए फिलहाल, अगर आपने अदर जो कंटेंट है वो सही टाइप किया है। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर।